स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी अमृत। मेरी उठती जवानी थी जब मेरे दिल का दर्द मजे से परिचित हुआ। कुछ दिनों तक शायरी का अभ्यास करता रहा और धीरे धीरे इस शौक ने तल्लीनता का रूप ले लिया। सांसारिक संबंधों से मुंह मोड़कर अपनी शायरी की दुनिया में मैं बैठा और 3 साल की मशक्कत ने मेरी कल्पना के जौहर खोल दिए। कभी कभी तो मेरी शायरी उस्तादों के मशहूर कलम से टक्कर खा जाती थी। मेरी कलम ने कभी किसी उस्ताद के सामने सिर नहीं झुकाया। मेरी कल्पना एक अपने आप बढ़ने वाले पौधे की तरह छंद और पिंगल की कैदों से आजाद बढ़ती रही। मैंने अपनी शायरी को फारस से बाहर निकालकर यूरोप तक पहुंचा दिया। ये मेरा अपना ही रंग था। इस मैदान में न तो मेरा कोई प्रतिद्वंदी था और न ही कोई बराबरी करने वाला। मुझे मुशायरों की वाह वाह और सुभान अल्लाह से नफरत थी। हाँ, काव्य रसिकों से बिना अपना नाम बताए हुए अक्सर अपनी शायरी की अच्छाइयों और बुराइयों पर मैं बहस किया करता था। मुझे शायरी का दावा तो नहीं था, मगर धीरे धीरे मेरी शोहरत होने लगी। और जब मेरी पुस्तक दुनियाए हुस्न प्रकाशित हुई तो साहित्य की दुनिया में हलचल सी मच गई। पुराने शायरों ने काव्य मर्मज्ञों की प्रशंसा और कृपणता के पोत रंग दिए, मगर मेरा अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत था। मुझे कभी कभी ये ख्याल सताया करता कि मेरे कद्रदानों की उदारता दूसरे कवियों की लेखनी की दरिद्रता का प्रमाण है। ये ख्याल हौसले तोड़ने वाला था। बहरहाल जो कुछ हुआ, दुनियाए हुस्न ने मुझे शायरी का बादशाह बना दिया। मेरा नाम हर किसी की जुबान पर था। मेरी चर्चा हर एक अखबार में थी। शोहरत अपने साथ दौलत भी लाई। मुझे दिन रात शेरो शायरी के अलावा और कोई काम न था। अक्सर बैठे बैठे रातें गुजर जाती और जब कोई चुपता हुआ शेर कलम से निकलता तो मैं खुशी के मारे उछल पड़ता। हाँ, मैं अब तक शादी ब्याह की कैदों से आजाद था, या यूं कह लीजिए कि मैं उसके उन मजों से अपरिचित था जिसमें रंज की तलखी थी और खुशी की नमकीनी भी। अक्सर पश्चिमी साहित्यकारों की तरह मेरा भी यही ख्याल था कि साहित्य के उन्माद और सौंदर्य के उन्माद में पुराना बैर है। मुझे अपनी जुबान से कहते हुए शर्मिंदा होना पड़ता है कि मुझे अपनी तबीयत पर भरोसा नहीं था। जब भी कभी मेरी आंखें कोई मोहिनी सूरत पर घूम जाती तो मेरे दिल और दिमाग पर एक पागलपन सा छा जाता। हफ्तों तक मैं अपने आप को भूला भूला सा रहता। लिखने की तरफ मेरी तबीयत भी नहीं झुकती। ऐसे कमजोर दिल में सिर्फ एक ही इश्क की जगह थी, साहित्य या सौंदर्य। इसी डर से मैं अपनी रंगीन तबीयत के खिलाफ शुद्ध आचरण रखने पर मजबूर था। कमल की एक पंखुड़ी, श्यामा के गीत, लहराते हुए एक मैदान मेरे लिए जादू का आकर्षण होते। मगर किसी औरत के दिल फरेब हुस्न को मैं चित्रकार या मूर्तिकार की बैलेंस आंखों से नहीं देख सकता था। सुंदर स्त्री मेरे लिए एक रंगीन और कातिल नागिन थी, जिसे देखकर आंखें खुश होती मगर दिल डर से सिमट जाता। खैर, दुनियाए हुस्न को प्रकाशित हुए 2 साल गुजर चुके थे। मेरी ख्याति बरसात की उमड़ी हुई नदी की तरह बढ़ती ही चली जा रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे मैंने साहित्य की दुनिया पर कोई वशीकरण कर दिया है। इसी दौरान मैंने फुटकर शेर तो बहुत कहे, मगर दावतों और अभिनंदन पत्रों की भीड़ ने मार्मिक भावों को उभरने नहीं दिया। प्रदर्शन और ख्याति एक राजनीतिज्ञ के लिए कोड़े का काम दे सकते हैं, मगर शायर की तबीयत अकेले शांति से कोने में बैठ कर ही है जहां वो अपना जौहर दिखलाती है। खैर, मैं इन रोज रोज की बढ़ती हुई बेहुदा बातों से गला छुड़ाकर भाग गया और पहाड़ के एक कोने में जा छिपा जहां पर नैरंग ने जन्म लिया। नैरंग के शुरू होते ही
मुझे कुछ आश्चर्यजनक और दिल तोड़ने वाला अनुभव हुआ। ईश्वर जाने क्यों मेरी अक्ल और मेरे चिंतन पर पर्दा पड़ गया। घंटों तबीयत पर जोर डालता मगर एक भी शेर नहीं निकलता कि दिल फड़क उठे। सोचते भी तो दरिद्र और पिटे हुए विषय जिनसे मेरी आत्मा भागती थी। मैं अक्सर झुंझला कर उठ बैठता, कागज फाड़ डालता और बड़ी बेदिली की हालत में सोचने लगता कि क्या मेरी काव्य शक्ति का अंत हो गया है। क्या मैंने ये खजाना जो प्रकृति ने मुझे सारी उम्र के लिए दिया था इतनी जल्दी मिटा दिया है। कहां वो हालात कि विषयों की बहुतायत और नाजुक ख्यालों की रवानी कलम को दम नहीं लेने देती थी। कल्पना का पंछी उड़ता तो आसमान का तारा बन जाता, और कहां ये पस्ती, ये करुण दरिद्रता। मगर इसका कारण क्या है, ये किस कसूर की सजा है। कारण और कार्य का दूसरा नाम है दुनिया। जब तक हमको क्यों का जवाब न मिले दिल को किसी तरह सब्र नहीं होता। यहां तक कि मौत को भी इस क्यों का जवाब देना पड़ता है। आखिर मैंने एक डॉक्टर से सलाह ली। उसने भी आम डॉक्टरों की तरह आबो हवा बदलने की सलाह दे दी। मेरी अक्ल में भी यही बात आई कि मुमकिन है नैनीताल की ठंडी आबो हवा ने शायरी की आग को ठंडा कर दिया हो। 6 महीने तक लगातार घूमता फिरता रहा, अनेक आकर्षक दृश्य देखे मगर उनसे मेरी आत्मा पर शायराना कैफियत नहीं छाई। ऐसी कोई भी शायरी नहीं निकली कि प्याला छलक पड़े और खामोश कल्पना खुद बखुद चहकने लगे। मुझे अपना खोया हुआ लाल न मिला। अब मैं जिंदगी से तंग था। जिंदगी अब मुझे सूखे हुए रेगिस्तान जैसी मालूम होती, जहां न कोई जान थी न ताजगी और न ही कोई दिलचस्पी। हरदम दिल में एक मायूसी छाई रहती और दिल खोया खोया सा रहता। आदमी की संगत से बेजार, हमजिंस की सूरत से नफरत, मैं एक गुमनाम कोने में पड़ा हुआ जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। पेड़ों की चोटियों पर बैठने वाली मीठे राग गाने वाली चिड़िया क्या कभी पिंजरे में जिंदा रह सकती है। मुमकिन है कि वो दाना खाए पानी पिए मगर उसकी इस जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है। आखिर मुझे अपनी शायरी के लौटने की कोई उम्मीद नहीं रही, तो मेरे दिल में ये पक्का इरादा हो गया कि अब मेरे लिए शायरी की दुनिया से मर जाना ही बेहतर है। मुर्दा तो हूं ही, इस हालात में अपने को जिंदा समझना बेवकूफी है। आखिर मैंने एक रोज कुछ दैनिक समाचार पत्रों में अपने मरने की खबर दे दी। उसके छपते ही मुल्क में कोहराम मच गया, एक तहलका पड़ गया। उस वक्त मुझे अपनी लोकप्रियता का अंदाजा हुआ। ये आम पुकार थी कि शायरी की दुनिया की कश्ती मझधार में डूब गई, शायरी की महफिल उखड़ गई, पत्र पत्रिकाओं में मेरे जीवन चरित्र प्रकाशित हुए, जिनको पढ़कर मुझे उनके एडिटरों की आविष्कार बुद्धि का कायल होना पड़ा। न तो मैं किसी रईस का बेटा था और न मैंने रईसी की मसनत छोड़कर फकीरी अख्तियार की थी। उसकी कल्पना वास्तविकता पर छा गई। मेरे मित्रों में एक साहब थे जिन्होंने मुझसे आत्मीयता का दावा किया था, मुझे पीने पिलाने का प्रेमी बना दिया था, और वे जब भी मुझसे मिलते उन्हें मेरी आंखें नशे से लाल नजर आती। अगरचे इसी लेख में आगे चलकर उन्होंने मेरी इस बुरी आदत की बहुत हृदयता से सफाई दी, क्योंकि रूखा सूखा आदमी ऐसे मस्ती के शेर नहीं कह सकता था। मैं हैरत में था कि उन्हें ये गलत बात करने की हिम्मत कैसे हुई। खैर, इन गलत बयानियों की तो मुझे परवाह ही नहीं थी, अलबत्ता ये बड़ी फिक्र थी, फिक्र नहीं एक प्रबल जिज्ञासा थी कि शायरी पर लोगों की जुबान से क्या फतवा निकलता है। हमारी जिंदगी के कारनामे की सच्ची दाद मरने के बाद ही मिलती है, क्योंकि उस वक्त वो खुशामद और बुराइयों से पाक साफ होती है। मरने वाले की खुशी या रंज की कौन परवाह करता है। इसीलिए मेरी कविता पर जितनी आलोचनाएं निकलती है उनको मैंने बहुत ही ठंडे दिल से पढ़ना शुरू किया, मगर कविता को समझने वाली दृष्टि की व्यापकता और उसके मर्म को समझने वाली रुचि का चारों तरफ अकाल महसूस हुआ। अधिकांश जौहरियों ने मेरे एक एक शेर को लेकर बहस की थी, इसमें कोई शक नहीं
कि वे पाठक की हैसियत से उस शेर के पहलुओं को खूब समझते थे, मगर आलोचक का कहीं पता नहीं था। नजर की गहराई गायब थी। समग्र कविता पर निगाह डालने वाला कवि, गहरे भावों तक पहुंचने वाला कोई आलोचक दिखाई नहीं दिया। एक रोज में प्रेतों की दुनिया से निकलकर घूमता हुआ अजमेर की पब्लिक लाइब्रेरी में जा पहुंचा। दोपहर का वक्त था। मैंने मेज पर झुककर देखा कि कोई नई रचना हाथ में आ जाए तो दिल बहलाऊं। यकायक मेरी निगाह एक सुंदर पत्र की तरफ गई, जिसका नाम था कलामे अख्तर। जैसे भोला बच्चा खिलौना देखकर उसकी तरफ लपकता है, उसी तरह झपटकर मैंने उस किताब को उठा लिया। उसकी लेखिका मिस आयशा आरिफ थी। दिलचस्पी और भी ज्यादा हुई। मैं इत्मीनान से बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। एक ही पन्ना पढ़ने के बाद दिलचस्पी ने बेताबी की सूरत अख्तियार कर ली। फिर तो मैं बेसुधी की दुनिया में पहुंच गया। मेरे सामने गोया सूक्ष्म अर्थों की एक नदी लहरें मार रही थी। कल्पना की उठान, रुचि की स्वच्छता, भाषा की नरमी, काव्य दृष्टि ऐसी थी कि हृदय धन्य धन्य हो उठता था। मैं एक पैराग्राफ पढ़ता, फिर विचार की ताजगी से प्रभावित होकर एक लंबी सांस लेता और तब सोचने लगता कि इस किताब को सरसरी तौर पर पढ़ना असंभव है। ये औरत थी या सुरुचि की देवी? उसके इशारों से मेरा कलाम बहुत कम बचा था, मगर उसने मुझे जहां भी दाद दी, वहां सच्चाई के मोती बरस रहे थे। उसके ऐतराजों में हमदर्दी और प्रशंसा में भक्ति थी। शायर के कलाम को दोषों की दृष्टियों से नहीं देखना चाहिए। उसने क्या नहीं किया था, ये ठीक कसौटी नहीं। बस यही जी चाहता था कि लेखिका के हाथ और कलम चूम लो। सफीर भोपाल के दफ्तर से ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी। मेरा इरादा पक्का हो गया और तीसरे दिन शाम के वक्त मैं मिस आयशा के खूबसूरत बंगले के सामने हरी हरी घास पर टहल रहा था। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में दाखिल हुआ। उसकी सजावट बहुत ही सादी थी। पहली चीज पर निगाह पड़ी तो वो थी मेरी तस्वीर, जो दीवार पर लटक रही थी। सामने एक आईना रखा हुआ था। मैंने खुदा जाने क्यों उसमें अपनी सूरत देखी। मेरा चेहरा पीला और कुम्हलाया हुआ था, बाल उलझे हुए, कपड़ों पर गर्द की मोटी तह जमी हुई, परेशानी की जिंदा तस्वीर। उस वक्त मुझे अपनी बुरी शक्ल पर सख्त शर्मिंदगी हुई। मैं सुंदर न सही, मगर इस वक्त तो सचमुच चेहरे पर फटकार बरस रही थी। अपने लिबास के ठीक होने का यकीन मुझे खुशी दे रहा था। अपने फूहड़पन का जिस्म पर इतना असर नहीं होता जितना दिल पर। हम बुजदिल और बेहौसला हो जाते हैं। मुझे मुश्किल से कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मिस आयशा तशरीफ लाई। सांवला रंग था, चेहरा एक गंभीर खुलावट से चमकता हुआ, बड़ी बड़ी नरगिसी आंखों से सदाचार की, संस्कृति की रोशनी झलक रही थी। कद मझोले से कुछ कम, अंग प्रत्यंग छरहरे सुथरे, ऐसी हल्की फुल्की जैसे प्रकृति ने उसे इस भौतिक संसार के लिए नहीं, किसी काल्पनिक संसार के लिए सिरजा है। कोई चित्रकार कला की उससे अच्छी तस्वीर नहीं खींच सकता था। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी हुई निगाहों से देखा, मगर देखते देखते उसकी गर्दन झुक गई और उसके गालों पर लाज की एक हल्की सी परछाई नाचती हुई मालूम हुई। जमीन से उठकर उसकी आंखें मेरी तस्वीर की तरफ गई और फिर सामने पर्दे की तरफ जा पहुंची। शायद वो पर्दे की आड़ में छिपना चाहती थी। मिस आयशा ने मेरी तरफ दबी निगाहों से देखकर पूछा, आप स्वर्गीय अख्तर साहब के दोस्त हैं? मैंने सिर नीचे किए हुए जवाब दिया, नहीं, मैं ही बदनसीब अख्तर हूं। आयशा एक बेखुदी के आलम में कुर्सी पर से खड़ी हुई और मेरी तरफ हैरत से देखकर बोली, दुनियाए हुस्न के लिखने वाले? अंधविश्वास के अलावा ऐसा कौन है जिसने दुनिया से चले जाने वालों को कभी देखा है?
आयशा ने मेरी तरफ कई बार शक भरी निगाहों से देखा। उनमें अब शर्म और हया के बजाय हैरत छाई हुई थी। मेरी कब्र से निकलकर भागने का यकीन तो उसे हो ही नहीं सकता था। शायद वो मुझे दीवाना समझ रही थी। उसने दिल में फैसला कर लिया कि ये आदमी या तो मरहूम शायर का कोई करीबी अजीज है। शक्ल जिस तरह मिल रही थी वो दोनों के एक खानदान होने का सबूत थी। मुमकिन है कि वो भाई हो और अचानक सदमे से पागल हो गया हो। शायद उसने मेरी किताब देखी होगी और हाल पूछने के लिए चला आया होगा। अचानक उसे ख्याल आया कि किसी ने अखबार में मेरे मरने की झूठी खबर दे दी हो और मुझे उस खबर को काटने का मौका ही न मिला हो। इस ख्याल से उसकी उलझन दूर हुई। बोली, अखबार में आपके बारे में एक निहायती मनहूस खबर छपी थी। मैंने जवाब दिया, वो खबर सही थी। अगर पहले आयशा को मेरे दीवानेपन में कुछ था तो वो भी दूर हो गया। आखिर मैंने थोड़े लफ्जों में अपनी दास्तान सुनाई और जब उसे यकीन हो गया कि दुनियाए हुस्न का लिखने वाला अख्तर अपने इंसानी चोले में है तो उसके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सुर्खी दिखाई दी और ये हल्का रंग बहुत ही जल्द खुददारी और रूप गर्व के शोक रंग से मिलकर कुछ का कुछ हो गया। गालिबन वो शर्मिंदा थी कि क्यों उसने अपनी कद्रदानी को हद से बाहर जाने दिया। कुछ देर की शर्मीली खामोशी के बाद उसने कहा, मुझे अफसोस है कि आपको ऐसी मनहूस खबर निकलवाने की जरूरत पड़ी। मैंने जोश से भर कर जवाब दिया, आपके कलम की जुबान से दाद पाने की कोई सूरत नहीं थी। इसके लिए तो मैं ऐसी कई कई मौतें मर सकता हूँ। मेरे इस बेधड़क अंदाज ने आयशा की जुबान को भी शिष्टाचार और संकोच की कैद से आजाद कर दिया। मुस्कुराकर बोली, मुझे बनावट पसंद नहीं। डॉक्टरों ने आपको कुछ बतलाया नहीं? उसकी इस मुस्कुराहट ने मुझे दिल्लगी करने पर आमादा कर दिया। मैं बोला, अब मसीहा के सिवा इस मर्ज का इलाज किसी और के हाथ में हो ही नहीं सकता। आयशा समझ गई, हंसकर बोली, हुजूर, मसीहा चौथे आसमान पर रहते हैं। मेरी हिम्मत ने अब और कदम बढ़ाए। रूहों की दुनिया से चौथा आसमान बहुत दूर नहीं है। आयशा के खिले हुए चेहरे से संजीदगी और अजनबियत का हल्का रंग उड़ गया। जब मैं कोई घंटे भर बाद उस कमरे से बाहर निकला तो बजाय इसके कि वो मेरी तरफ अपनी अंग्रेजी तहजीब के मुताबिक हाथ बढ़ाए, उसने चोरी चोरी मेरी तरफ देखा। फैला हुआ पानी जब सिमट कर किसी जगह से निकलता है तो उसका बहाव तेज हो जाता है और ताकत कई गुना ज्यादा हो जाती है। आयशा की उन निगाहों में असमत की तासीर थी। उनमें दिल मुस्कुराता था और जज्बा नजाता था। आह, उसमें मेरे लिए दावत का एक पुरजोर पैगाम भरा हुआ था। जब मैं होटल में पहुंचकर इन वाकयात पर गौर करने लगा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि गोया मैं ऊपर से देखने पर अब भी अपरिचित था, लेकिन भीतरी तौर पर शायद मैं उसके दिल के किसी कोने तक पहुंच चुका था। जब मैं खाना खाकर पलंग पर लेटा तो बावजूद दो दिन दो रात जागने के भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। जज्बात की कश्मकश में नींद कहां? आयशा की सूरत, उसकी खातिरदारियां और उसकी वो छिपी छिपी निगाह दिल में एक तूफान की तरह बरस रही थी। उसकी उस आखिरी निगाह ने तो दिल में तमन्नाओं की रूम थूम मचा दी थी। वो आरजुएं जो बहुत अरसा हुआ मर मिटी थी फिर से जाग गई और आरजुओं के साथ कल्पना ने भी मुंदी हुई आंखें खोल दी। दिल में जज्बात और कैफियत का एक बेचैन करने वाला जोश महसूस हुआ। यही आरजुएं, यही बेचैनियां और यही कशिशें कल्पना के दीपक के लिए तेल है। जज्बात की हरारत ने कल्पना को गरमाया। मैं कलम लेकर बैठ गया और एक ऐसी नज्म लिखी जिसे मैं अपनी सबसे शानदार दौलत समझता हूं। मैं एक होटल में रह रहा था, मगर किसी न किसी तरीके से दिन में कम से कम एक बार जरूर उसके दर्शन का आनंद उठाता।
आयशा ने कभी मेरे यहाँ तक आने की तकलीफ नहीं की, तो भी मुझे ये यकीन करने के लिए शहादतों की जरूरत नहीं कि वहां किस कदर सरगर्मी से मेरा इंतजार किया जाता था। मेरे कदमों की पहचानी हुई आहट पाते ही किस कदर उसका चेहरा कमल की तरह खिल जाता था और आंखों से कामना की किरणें निकलने लगती थी। यहां 6 महीने गुजर गए, इस जमाने को मेरी जिंदगी की बाहर समझना चाहिए। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं आरजुओं और हसरतों के गम से आजाद था, मगर दरिया की शांतिपूर्ण रवानी में थिरकती हुई लहरों की बहार कहां। अब अगर मोहब्बत का दर्द था तो उसका प्राणदायी मजा भी था, अगर आरजुओं की घुलावट थी तो उनकी उमंग भी थी। ओह, मेरी ये प्यासी आंखें उस रूप के स्रोत से किसी तरह तृप्त न होती। जब मैं अपनी नशे में डूबी हुई आंखों से उसे देखता तो मुझे एक आत्मिक तरावट सी महसूस होती। मैं उसके दीदार के नशे से बेसुध सा हो जाता और मेरी रचना शक्ति का तो कुछ भी हद हिसाब न था। ऐसा मालूम होता कि जैसे दिल में मीठे भावों का स्रोत खुल गया था, अपनी कवित्व शक्ति पर खुद अचंभा होता। कलम हाथ में ली नहीं कि रचना का सोता बह निकलता। नैरंग में ऊंची कल्पनाएं न हो, बड़ी गूढ़ बातें न हो, मगर उसका एक एक शेर प्रवाह और रस, गर्मी और खुलावट की दाद दे रहा था। ये उस दीपक का वरदान है जो अब मेरे दिल में जल रहा था और रोशनी दे रहा था। ये उस फूल की महक थी जो मेरे दिल में खिला हुआ था। मोहब्बत रूह की खुराक है, ये अमृत की बूंद है जो मरे हुए भावों को भी जिंदा कर देती है। मोहब्बत आत्मिक वरदान है, ये जिंदगी की सबसे पाक, सबसे ऊंची और मुबारक बरकत है। यही अक्सीर थी जिसकी अनजाने ही मुझे तलाश थी। वो रात कभी नहीं भूलेगी जब आयशा दुल्हन बनी हुई मेरे घर में आई। नरंग उसकी मुबारक जिंदगी की यादगार है। दुनियाए हुस्न एक कली थी और नरंग खिला हुआ फूल है, और उस कली को खिलाने वाली जो चीज है जिसकी मुझे अनजाने में तलाश थी, वही जिसे अब मैं पा चुका हूं। हाँ, मैं उसे पा चुका हूं। बस यही थी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।